ऐसा करो, अपनी फौजों को, और चिट्ठों भेजो, और राज
फिर राजा था ना राजा हमारा था मिल करके मार पीट के भाषा खा दिया भाषा खा दिया और भाषा क्या सोचता है ऐसा करो अपने पूरी खोजा ले लो ये घोड़ा खोजो साथ में ले लो और बीबू को साथ में ले लो चित्तौड़ संगो चित्तौड़ का प्राण का दवा से उसने प्राण का दिया है और भाषा ने क्या देखा है और इधर उधर देखा है ये काली मई का कल्ला है महारानी का कल्ला है बहुत ऊंचा दिखता है बहुत ऊंचा दिखता है भाषा ने सोचा है ऐसा करो धुने का पान लो धुने का पान उड़ा किले में धुने का पान लो और धुने का पान उड़ा करके और ऊपर तोबा में लो तोबा भेल करके ये काली मई का कल्ला इधर जैस मैस कर दो फिर धुने का पान है ये कल्ले में नहीं था निशा रह गया भाषा को संध करने के लिए जाता हूँ मगलों की सेना सहड़ देश पे आई मेवाड़ पे आई केरलिया चित्तौड़ कटाई गोल हकलंग मेरे मेरे फटते होते गढ़ दिल्ली से आया दिल्ली का बादशाह किस कारण आया किले को गिराने के लिए आया तुम्हारे क्या तकलीफ हुई है इस किले की छाया मेरे दिल्ली में पड़ती है अच्छा उस कारण मैं मेरा काला काला दिखता है ठीक बात है उस वजह से इस किले को मैं देश में कर छोड़िए बादशाह अच्छा अरे थारे दुखे पेट में अरे तुम थावे मातो अरे पहली भोला राजा अरे भोली परजाई वे वाता हम तो सलीकी रहता जैसे अरे मेवाड़ छोड़कर चले जाओ मारे जाओगे तुम युद्ध करोगे होय राजभूत हो उचार हो जाओ केसरिया भगा पैर लो अपना शस्त्र ले लो ये रहना प्रथम आदेश है और होशियार हो जाओ गमशान मचाओ मंगल को मार पकाओ मार पकाओ हर हर महादेव हर 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 महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव राजभूत हो होशियार हो जाओ डट के मुकाबला करो मंगल को मार पकाओ पवन मणि दया के समय आ चुकी है हाथ उठाना बलवार मुठा मजबूती मुठा मजबूती दर्द सहावना राजा पुत्र दे मजबूती चलती है कई भूजा थपड़ारी है फूलों की खाड़िया चलती है सेठों का मान सी हाथी को लड़ने के लिए आया था फिर मैं सेठ पर हार मारी अगला पैर मस्तपुर दुआया था फिर मैं भल्ला मारा हाथी को जो सब गया है मेरा वार खाली जाते रहे हाथी का सुनना नकी तलवार थी तलवार घूम जाती की आई थी सेठ का पिछला पैर कट गया है फिर मैं घोड़े को खाल को दे खाल को दे द्वारा घोड़ा का दम छूट गया है मेरे पैर को घोड़ा मारा गया है घोड़ा मारा गया मैं घोड़ा का शोषण बैठा था मेरा भाई सत्य सिंह आर पहुंचा है हे दादा भाई ये मेरा घोड़ा ले जाओ तुम डेरे में पहुंचो डेरे में पहुंचो नहीं डेरे पर
मैं नहीं पोसूंगा राणा पूजा की खोल नहीं आएगा बिना मैं खोल नहीं आएगा सब तक रणभूमि छोड़ के नहीं जाऊंगा नहीं जाऊंगा बिदरना मेरा भाई बिदरना मेरा भाई तो प्रणाम मैं तो बहुत के माई शत्रु वत्र हाथन जाले अड़सी तोड़े जाकर जब उधर जाके अच्छा 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 सूर्य बिजर रहा अरे ऐसा हुआ है अरे दलियों माशिया भाइयों अटा झगड़ों माशियों इसलिए अरे मेरा दोनों भाई जान के और डामा भज जान के तुम्हारे परवानों को भी अच्छा 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 सूर्य बिजर रहा और ऐसा करना है सावधान रहना है डट के मुखाजा करना है मंगला को मार भगाना है और होशियार रहना है डट के मुखाजा करो मंगला को मार भगाओ यहां से देखा का मैं पिता मेरे मुर्शिद का बावन बैरूस और दोगला लगा दे Thank you.
आप कहना क्या चाहते हैं? अरे तीन दिन हो गए कहाँ थे और किसके साथ थे किले के अंदर? सुनिए भाईसिया, अब तो युद्ध कर रहे हैं, हमें एक एक फौज मारी जा रही है। अच्छा, तो मैंने सोचा कई सिंधु देवतों के पास ऐसी कौन सी शक्ति है जो हमारे पांचों वीरों को जारी नहीं करती है। वैसे इसीलिए मैं इस किले का भेद जानने के लिए इस किले के अंदर गई। अच्छा सुनिए बादशाह, अच्छा वैसे तो इस किले के अंदर कोई जाता नहीं है, एक फुलेरी मालन है, वो हमेशा फूलों का टोकरा लेके माँ काली के मेले में फूल चढ़ाने के लिए जाती है। अच्छा, तो उस फुलेरी मालन को मैंने अपनी धमकी बहन बनाया। अच्छा, और मैंने गले का नक्शा हार दिया और कहा कि सुनो बहन, वैसे तो त्योहार तुम हिंदुओं का है, अच्छा हम मुस्लिम इससे मानते नहीं है, जो ये रिश्ता हम कहीं भी कायम करते हैं, अच्छा तो इस रिश्ते को हम मरते दम तक निभाते। तो उस फुलेरी माला ने कहा चलो ठीक है बहन, अच्छा मैं तेरी क्या मदद करना चाहती हूँ। तो मैंने कहा सुनो बहन, मुझे इस किले का भेद चाहिए। अच्छा, तो उस फुलेरी माला ने कहा कि सुनो बहन, अगर तुम इस किले का भेद जानना चाहती हो, अच्छा तो ऐसा करो, तू मेरा वेश है वो जो तुम यहाँ पर खोल दो, और मेरा वेश है वो तुम पहन लो, और माता में फूलों का टोकरा लेकर फिर बाद में माँ काली के मंदिर में जा सकती। अच्छा, तो मैंने फुलेरी मालन का वेश लिया और माता में फूलों का टोकरा लिया। अच्छा, और मैं माँ काली के मंदिर में गई। वहां जाके देखा बादशाह, अच्छा माँ काली विराजमान है, माँ गोरजा विराजमान है, माँ चावड़ा विराजमान है, और कांगरे कांगरे पर छोड़ चौकिया और किले का भेद लेके मैं वापस फुलेरी मालन के पास आई और आके कहा चलो ठीक है बहन, तेरी इस मदद से मुझे इस किले का भेद तो मिला है। अच्छा, पर ऐसा बताओ उस किले के सामने वो कुंड है, उस कुंड का भेद मुझे किसी ने नहीं दिया, अच्छा आखिर उस कुंड का राज्य क्या है? तो उस फुलेरी माला ने कहा अच्छा। सुनो बहन, वैसे तो हिंदू देवता की कभी हार होती नहीं है, अच्छा तब उस हिंदू देवता की हार होने लगती है, तो उसी कुंड से लकड़ी के घोड़े निकलते, वो शस्त्र और सवार शस्त्र निकलते जो दुश्मन की फौज में जा गिरते, अच्छा तो दुश्मन की फौज का खात्मा कर देते, और इसी तरह से इस हिंदू देवता की विजय हो जाती है। अच्छा, मैंने कहा चलो ठीक है, इसका कोई उपाय तो होगा। तो उस फुलेरी माला ने कहा सुनो बहन, तुम मुस्लिम हो तुम्हें सूर की सोगन लगती है, हम हिंदू है तो हमें गौ की सोगन लगती है, अगर तुम इस किले पर विजय पाना चाहती हो तो ऐसा करो, कजली भर में जाओ, चरी घाय लाओ, लाकर उस कुंड पर खड़ा करो, खड़ा करने के बाद उस गौ की हलाली करो, हलाली करने के बाद वो खून जो कुंड के अंदर गिरेगा तो वो कुंड मिटा जाएगा, तो उस कुंड से लकड़ी के घोड़े शस्त्र और सवार शस्त्र निकलने बंद हो जाएंगे। अच्छा, और खून इस देवतों के मंदिर में छिड़क देना, ये सारे देवते भिष्टा जाएंगे। अच्छा, और तुम्हारे इस युद्ध में नहीं आएंगे, इसी तरह से तुम इस किले पर विजय पा सकती हो। तो आप ऐसा कीजिए बादशाह, कजली भर में जाइए, चढ़ाई खाए लाइए, लाके उस कुंड पर खड़ा कीजिए, खड़ा करने के बाद उस गाँव की हलाली करना, और हलाली करने के बाद वो खून लेके इस मंदिर में इस किले पर छिड़क देना, तो ये सारे देवते भिष्टा के इस किले पर नहीं आएंगे, तो हमारी इस किले पर विजय अवश्य होगी। इस तरीके से हमारी अवश्य विजय होगी, जीत हो जाएगी। हाँ, ऐसा कीजिए, अच्छा कजली वन में जाइए, अच्छा और एक सरे घाय लाइए, अच्छा और इस किले के सामने वो खड़ी करनी और धीरे धीरे उसकी हलाली करनी और उसके रक्त को किले में छिड़काव लगाना, उस वजह से देवी देवता बैठ हो जाएगा और हमारी जीत हो जाएगी। Thank you.
अरे कोई नहीं आएगा हड्डा वाला।
नक्शे पे नहीं आया ना तो उसको है अपनी चोटी के बांध के दिल्ली ले जाएगा। नहीं आया।